मुरली सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन एक रीडिंग की तरह पढ़ लेते हैं। लेकिन हमारी जो पढ़ाई है, पढ़ाई में कभी भी रीडिंग नहीं होती है। रीडिंग क्या होती है? रट एप्लीकेशन, रीड आउट कर लिया, आपके रट लिया, उसको भी चले गए, तो फिर लाइफ में इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते। लेकिन बाबा ने अगर मुझे ये कहा है कि बच्चे तुम विश्व कल्याणकारी आत्मा हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? वो विश्व कल्याण के संकल्प अपने अंदर में क्रिएट करने पड़ेंगे। कैसे करने पड़ेंगे? कि माइंड मैपिंग जब हम किसी चीज़ की नहीं करेंगे तो हमारी स्थिति नहीं बनेगी। पहला अपने प्रति, अरे मुझे अपना कल्याण करना है। सबसे पहले कौन आता है कल्याण में? मेरा कल्याण। जब तक मेरा कल्याण नहीं होगा तो क्या होगा? हम दूसरों को केवल ज्ञान सुनाएंगे। तो जैसे ही हम इंट्रोवर्ट होना शुरू करते हैं, हमारा अटेंशन अपनी ओर जाता है, तो अपनी ओर जाने से क्या हो जाता है कि ऑटोमेटिकली मेरे अंदर आता है, अच्छा दूसरों को तो कहते हैं लेकिन हमारे में तो है नहीं। तो वो बात मेरे को बार बार दिल से लगने लगती है, और जैसे ही वो बात मेरे को बार बार दिल से लगने लगती है, जैसे मानो कोई बार बार मुझे थप्पड़ मारेगा, एक बार थप्पड़ मारा तो मुझे इतना महसूस नहीं हुआ, बार बार उसने उसी जगह पर मारा तो क्या होगा? उस थप्पड़ की मुझे, दर्द की मुझे महसूसता होगी। तो इसी तरह से जब बार बार हम अपने प्रति इस बात को रियलाइज कराएंगे कि बाबा ने मुझे विश्व कल्याणकारी आत्मा बोला, तो विश्व कल्याणकारी में मेरा अपना कल्याण कहाँ तक हुआ है, मेरा अपने ऊपर ध्यान जाएगा। और जैसे ही मेरा अपने ऊपर ध्यान जाएगा, तो उस बात को लेकर के जब हम सारा दिन चलेंगे कि देखो हाँ मेरे में यहाँ ये मिस्टेक है, ये कमजोरी है, मुझे क्या करना है उसको ठीक करना, ये भाव भी पैदा होगा। नहीं तो जैसे हमने कहा कि विश्व कल्याणकारी है, तो विश्व सामने आएगा, उसमें से हमने किसको निकाल दिया? किसको निकाल दिया? अपने को निकाल दिया, ठीक है ना? तो फिर बात तो नहीं बनेगी। हम लोग